की जो बैठक रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फौज में जाना चाहता है, उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे और कब से कब तक वो यात्रा चलेगी इस बारे में आप सबको भी समय से सूचित हम लोग करेंगे और निश्चित ही उनके इस बात से हमारा उत्साह बढ़ा है। राहुल जी स्वयं 10 दिन के लगभग उस यात्रा में प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड के जो नौजवानों के बीच में हम रूट्स में जा रहे हैं वहाँ निश्चित ही ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और उसके अलावा अंकिता और मर्डर केस और उसमें जो महिलाओं के संग अत्याचार हो रहे इन इश्यूज को भी अलग से हम उठाएंगे, लेकिन ये यात्रा पूरी तरीके से अग्निवीर और जो भर्ती घोटाले हुए हैं तथा बेरोजगारों के साथ जो अन्याय उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेके एक लंबी पदयात्रा निकालने की बात हम लोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक कांग्रेस का वीडियो आया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस अग्निपथ अग्निवीर योजना के खिलाफ एक रैली एक मार्च निकालने वाली है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड के युवाओं का जिन्होंने लगातार कोशिश करके और कांग्रेस पार्टी तक अपनी बात पहुंचाई और वो कांग्रेस पार्टी वहां की वहां के सारे लीडर मिलकर इसके खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। तो यहां मैं पहला संदेश तो युवाओं को देना चाहता हूं कि आप भी चाहे बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से, कहीं भी हरियाणा पंजाब से, तो आप भी पहल करें और अपोजिट पार्टी, कोई भी अपोजिट पार्टी जिसका आपके यहाँ वर्चस्व है उसको कहें कि आपके लिए उनके लीडर सड़कों पर आए ताकि ये मुहिम देशव्यापी मुहिम हो, हम इस बार जो आंदोलन करें पूरे देश में हो, उसकी गूंज केंद्र सरकार के कानों में और खोपड़ी तक पहुंचे। और एक संदेश मैं कांग्रेस के लोगों को देना चाहता हूं कि आप अभी उत्तराखंड में जो करने का विचार कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ना करके इसको उन राज्यों में करें जैसे अभी जहां चुनाव है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं और अब लगभग 5 साल बाद चुनाव होने हैं, तब तक सब लोग सब चीज भूल जाएंगे और ना ही इस केंद्र सरकार को बीजेपी की जब तक कुर्सी की टांग नहीं हिलती इसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो अब आप राहुल गांधी जी से या जिससे भी बात करें उनसे कहें कि रैली का समय है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन 5 राज्यों में इस प्रकार की रैली निकालें, हम और हमारे युवा साथी आपके साथ हैं। तो युवा साथी इसके लिए तैयार रहें कि आप आपके जहां जहां चुनाव हैं उस इलाके में जोर शोर से इन 5 राज्यों में सरकार की इस बीजेपी की कुर्सियां हिलाने, उससे पहले क्योंकि अभी चुनाव में 4 या 5 महीने का समय है, तो उससे पहले हम एक आंदोलन या एक धरना, सांकेतिक धरना जरूर रखेंगे और एक बार बीजेपी के ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या पीएम मोदी तक आवाज पहुंचाएंगे कि वो हमारी बात मान लें और वो जिस तरह अग्निपथ में बदलाव कर रहे हैं, जैसे अभी 25% से 50% कर रहे हैं और भी बहुत से बदलाव होने हैं, संकेत आ रहे हैं, तो उन्हीं बदलावों के साथ वो पुरानी भर्ती और जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग है उसको भी करा दें ताकि ये युवा इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर न आए। तो उसके लिए हम पहल कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, पहले इन्हीं से पूछेंगे और नहीं तो फिर यह कांग्रेस से या आम आदमी से, समाजवादी पार्टी से, जिससे भी मिलकर जिस राज्य में जिसका वर्चस्व होगा उससे मिलकर हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और फिर इनको हराएंगे। तो उसकी रूपरेखा हम बना रहे हैं, थोड़े से जो युवा हैं शांति बनाए रखें, फोन करने से एक सर कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी आर्मी से RTF से आप जुड़ें, हर एक बात आपको इस पर मिल जाएगी। बाकी मेरा नंबर सबके पास है 8290354513, 8290354513 कोई इम्पोर्टेंट बात हो या कोई मैसेज हो तो ही करें, अन्यथा आप रोज़ मैसेज या फ़ोन करके आप सोच रहे हो कि
हमें अच्छा लगता है, बल्कि आप हमारा समय बर्बाद करोगे। तो हम रणनीति बना रहे हैं, तैयार रहें, और आप भी अपने अपने इलाके में अपने अपने जो लीडर हैं, आपके विधायक हैं, आपके प्रधान हैं, जिनसे भी मिलो, या वैसे हम करने वाले हैं तो वो क्या सलाह देते हैं वो चीज़ें हमें बताओ। कि कांग्रेस का वीडियो है, इसको भी देखें और शेयर करें और तैयार रहें। हक चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ सकते तो भैया जो आपकी किस्मत है उसको मानकर चुपचाप जो आप कर रहे हो वो करते रहो। इस चीज़ का मैं फिर कहता हूँ, आप 20-22 मिनट के वीडियो कल जो मैंने डाला था, हर एक चीज़ बताई थी, लेकिन उसको देखते नहीं, फ़ोन करते हो, तो तुम्हारे पास 20-22 मिनट नहीं, तो तुम आंदोलन क्या कर लोगे? आंदोलन हो सकता है एक दिन का हो, एक महीने का हो सके साल भी लगाना पड़े, तो अगर इतना समय है आपके पास और लड़ सकते हो तो ही आओ, नहीं तो घर में बैठे रहो चुपचाप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।